यूपी के सुल्तानपुर से, जहां आज मंगलवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह का आज प्रथम बार सुल्तानपुर जिले में आगमन हुआ, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज सुल्तानपुर जिले में लोकप्रिय नेता और धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू के देखरेख में आज सुल्तानपुर जिले के पयागीपुर, गोलाघाट, कटका बाजार, गुप्तारगंज बाजार और कुरेभार बाजार में राजा भैया ने अपने सभी कार्यकर्ताओं लोगों से मुलाकात की। बता दें, राजा भैया का काफिला सुल्तानपुर जिले से सटे प्रतापगढ़ से शुरू होकर सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जी के लिए रवाना हुआ। इनके काफिले में करीब हजारों गाड़ियां शामिल रही। दल का गठन हुआ और जिसमें पूरे प्रदेश के सभी बहुत भारी तादाद में लोगों ने आकर के लखनऊ में महारैली को सफल बनाया, आशीर्वाद दिया। राजनीतिक दल के गठन के बाद अगला चरण होता है उस पार्टी का विस्तार, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड का प्रकोप आया, लॉकडाउन लगा और बड़ी भारी कीमत हम सभी लोगों ने कोविड की चुकाई। अब ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि उस त्रासदी से उभर करके हमारा प्रदेश, हमारा देश अब सामान्य होने की ओर अग्रसर हो। तो समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए, पार्टी की नीतियों को बताने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए पूरे प्रदेश में हर जिले में कार्यक्रम लगे हैं, जिसकी शुरुआत, जिसका शुभारंभ आज अयोध्या जी से होगा। 2022 में क्या लगता है, बीजेपी हारेगी या जीतेगी और कितनी सीटों से आपकी उम्मीदें अपनी सीटों पर? देखिए, ये बात आप किसी भाजपा के नेता से पूछते तो ज़्यादा अच्छा है या उनके प्रवक्ता से पूछे। हम अपने दल का बता सकते हैं कि जो उत्साह, जो स्नेह, समर्थन मिल रहा है उससे जनसत्ता दल का भविष्य उज्ज्वल है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भारत वर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।